हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उद्धारकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र 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 अति पवित्र पवित्र महान परमेश्वर, सोन हो सेनाओं की यहोवा प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि महान परमेश्वर आज मेरे प्रभु उस गुप्त शत्रुओं से प्रभु यीशु मसीह आपको रक्षा करेगा। मेरे प्रियजनों आज ध्यान रखो, आज वो गुप्त शत्रु तो आज रक्षा करेगा, उस गुप्त शत्रु से प्रभु यीशु मसीह तुझे बचाएगा। विशेष कर भजन संहिता 64 के फर्स्ट वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन लेना, ओ शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा करना, कुकर्मियों को गोष्ठी से और अनर्थकारियों से हुल्लड़ से मेरी आड़ को आड़ हो, और उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है, और अपने कड़वे वचन से वचन के तीरों से तीरों को मुझे चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं, वे बुरे काम करने का हिया बांधते हैं, वे फंदे लगाने से के विषय में बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखेगा, और वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह रहता है। मेरे प्रियजनों आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे गुप्त शत्रुओं को आज मैं लज्जित कर दूंगा, ओ तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु हैं वो सब कुछ को लज्जित करूंगा, कहता है परमेश्वर, जो तुम्हारे आड़ में छिपे रहते हैं, जो आज जो है तुम्हारे कई प्रकार के जो है बीच में तुम्हारे जो है वो फंदे लगाने के विषय में जो है बात करते हैं, फंदे लगाने के विषय में जो बात करते हैं, और भी बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं, वो बुरे काम करने के लिए जो है वो हिम्मत नहीं छोड़ते, वो बुरे काम करने के लिए जो है वो मेरे प्रियो कई प्रकार के चाल और षड्यंत्र मेरे प्रियो लगाते रहते हैं, जैसा कि मेरे प्रियो अपने जीभ में मेरे प्रियो तलवार के समान तेज किया है। सचमुच में परमेश्वर को वचन बताता है कि वो जो है शत्रु, हमारे गुप्त शत्रु रहते हैं, जो हमको फंसाने के लिए, हमको गिराने के लिए, हमको जो है टांग पर खींचने के लिए जो आज वो रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको कह रहा है कि मैं उन गुप्त शत्रुओं से मैं तुमको आज छुड़ाने वाला हूँ, उन गुप्त शत्रुओं से प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको बचाने वाला हूँ। ओ गुप्त शत्रु आज यीशु के नाम से लज्जित होंगे। हे परमेश्वर तू दया कर, हे परमेश्वर दया कर, हे परमेश्वर दया कर, ओ ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर आज सुंदर मेरे प्रभु आज शाम के समय में विशेष कर मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जो भाई बहन, जो बेटा बेटी, जो भाई, जो लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, जो भी जैसा भी मेरे परमेश्वर, आज आपके वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में चमकने पाए पिता, आज आपके वचन के सामर्थ्य उनके जीवन में रिलीज करते हैं प्रभु जी। आज कोई भी बेटा बेटी तेरे भवन से खाली हाथ ना जाने पाए, ओ तेरे भवन से खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आज उनके सारे गुप्त शत्रु आज यीशु के नाम से लज्जित होने पाए पिता। मेरे प्रभु जी उनका मन हर एक समय प्रभु जी, उनका जीवन हर एक समय पिता, जो आपको मेरे प्रियजनों ठोकर में आपको गिराने के लिए बहुत सारा वो योजना ढूंढते हैं, बहुत सारे वो चाल कैसे मेरे प्रियो आपकी आपको जो है गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए ऐसे वो ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु आपको कह रहा है कि बेटा हियाव मत छोड़ तू प्रार्थना करने के लिए। आज प्रार्थना को सुन, तेरे सारे गुप्त शत्रु आज लज्जित हो जाएंगे, जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे, तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे। मेरे प्रियजनों परमेश्वर भयंकर और अद्भुत रीति से काम करने वाला है। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होता है, उसका शरणागत होगा मेरे प्रियो, और सब सीधे मन वालों बड़ाई करेंगे। सचमुच में जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर कह रहा है कि धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत हो जाएंगे, और मेरे प्रियो सब सीधे मन वाले उसकी बड़ाई करेंगे। आपको मेरे प्रियो डरना नहीं है, प्रभु का वचन आपको और मुझे बता रहा है, कह रहा है कि वो सचमुच में आज भले ही उस दर्द से बीमारी से आप जूझ रहे हो, लेकिन आज के शाम के बेला में प्रभु यीशु उस गुप्त शत्रुओं से प्रभु यीशु मसीह आपको लड़ने का सामर्थ्य देगा, उस गुप्त शत्रु शैतान की ताकतों से प्रभु आज आपको लड़ने का सामर्थ्य देगा, ओ गुप्त शत्रुओं से प्रभु आपको बचाएगा, ओ गुप्त शत्रुओं से प्रभु यीशु मसीह आपको हिम्मत देगा।
और मेरे प्रियो, जो कानाफूसी करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो अपने अपने जो है परिवार में, अपने जो है मिलजुल कर मेरे प्रियो कई प्रकार की बुराई की बातों को जो है वो करते रहते हैं, बुराई की बातों को जो है अपने जीवन में लाते रहते हैं, वो कई प्रकार की बुरा भला सोचते रहते हैं, कई प्रकार की बुरा ऐसी युक्ति और योजनाओं को निकालते रहते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह कह रहा है, ओ यीशु मसीह आज आपको कह रहा है कि बेटा वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाएंगे, जैसे वो बोलेंगे वैसे ही वो गिर जाएंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, प्रभु यीशु मसीह आज तुझको उठाएगा, प्रभु यीशु मसीह तुझको उठाएगा और तुझे कह रहा है कि बेटा आज बेटा तू मत डर, धर्मी लोग आज यहोवा के कारण आनंदित होंगे। ओ धर्मी लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आनंदित होंगे। आज वचन में भजन संहिता में कहता है, भजन संहिता 119:105 में कहता है, मेरे वचन तेरे लिए पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो जाएगा। और वचन में लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे जो है अंधकार में नहीं लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं, आज कोई भी बेटा बेटी, लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, आज वो उद्धारकर्ता परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में काम करेगा और 100% आप जहां भी हो जैसे भी हो उस खुदा से आप मेरे प्रिय बहुत सारे कामों को करने के लिए आपको परमेश्वर उठाने वाला है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज होने दे पिता, आज होने दे प्रभु जी पवित्र आत्मा, तेरे वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता, वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करने पाए, ताकि प्रभु जी कोई भी बेटे बेटी आज लज्जित ना होने पाए। लेकिन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे शत्रु शैतान की ताकतों को यीशु के नाम से जलाकर राख करते हैं। वो प्रभु जी जो भी गुप्त में पिता तीर मारते हैं, गुप्त में प्रभु जी बात करते हैं, गुप्त में षड्यंत्र में वो पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे हर एक गुप्त शत्रु शैतान की ताकतों को हम इसी वक्त आज प्रभु जलाकर राख करते हैं। प्रभु यीशु आज उनके प्रभु जी सारे प्रभु जी विचारों को, उनके सारे मन को तू बदल दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू धर्मी के मन में धर्मी के योग्य कहला, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों को बचाता है, क्योंकि धर्मी लोगों को परमेश्वर उनको उठाता है। आओ हम यहोवा के कामों को आज हम ऊंचा उठाएं, यहोवा की मान करुणा का आज हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर को भजन संहिता 66 अध्याय में कहता है कि हे यहोवा, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम का भजन गाओ, उसके नाम की आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, परमेश्वर से कहो तेरा काम क्या ही भयानक है। मेरे पियो सचमुच में हमारे जीवन में जो बड़े बड़े शत्रु थे, बड़े बड़े गुप्त शत्रु थे, आज यीशु के सामर्थ्य के द्वारा ये प्रार्थना को बस चालू कर दो, ये प्रार्थना को आप चालू करके रख दो। आपके जीवन में वो गुप्त शत्रु आपकी परेशान करके रखे थे, वो सारे गुप्त शत्रु आज लज्जित हो जाएंगे। ओ गुप्त शत्रु आज लज्जित हो जाएंगे, तेरे गुप्त शत्रु आज लज्जित हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ 100% परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य द्वारा आज आपके गुप्त शत्रु आज लज्जित हो जाएंगे। आज डर मत भरो, आज भय मत खाओ, आज मेरे प्रिय इधर उधर ताक झांक मत करो। यीशु का लहू आपको चंगा करेगा, यीशु का लहू आपको छुएगा, यीशु का लहू आपको सारे बंधन से आजाद करेगा। और धन्यवाद 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 होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस, होली स्पिरिट, धन्यवाद पिता मसीह यीशु का सामर्थ, मसीह यीशु का सामर्थ मेरे प्रभु आज होने दे पिता, होने दे प्रभु। आज वो सारे गुप्त शत्रु शैतान की ताकतों को हम इसी वक्त जलाकर राख करते हैं। आज जल जाओ यीशु के नाम से, डर भय की गंदी आत्मा छोड़ो यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस 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 यस। मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे गुप्त शत्रु इसी वक्त लज्जित होने पाए, इसी वक्त वो गुप्त शत्रु लज्जित होने पाए। परमेश्वर की बेटी है वो, परमेश्वर का जन है, आज कोई भी बेटा बेटी इधर उधर नहीं भटकेगा, लेकिन वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करने पाएगा। ओ वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करने पाएगा और 100% 101% परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन यीशु की आत्मा के द्वारा आपको जो है उन गुप्त शत्रुओं से प्रभु यीशु मसीह बचाएगा, उन गुप्त शत्रुओं से प्रभु यीशु मसीह बचाएगा, उन गुप्त जो आपके बीच में आपकी जो है मेरे प्रभु विरोध में आपके खिलाफ में जो कई प्रकार की बातों को बोल बोल कर, कई प्रकार की बातों को जो है बोल बोल कर, ऐसे हर एक बातों को जो है वो जो है आज मेरे प्रियजनों कई प्रकार की बातों को बोल कर वो जो है समस्या में, मुसीबत में, दुख में, तकलीफों में, वो चिंता में, परमेश्वर जो है उनको जो है आज मेरे प्रियजनों वो कई प्रकार की चलाकी झूठी बोल बोल कर जो आपको फंसाते हैं, उनकी मेरे प्रियो बातों में जो है तेज तेज मेरे प्रियो तलवार की जैसा मेरे प्रियो बात रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को प्रभु कह रहा है कि मैं उन गुप्त शत्रुओं को आज मैं लज्जित करूंगा। ओ गुप्त शत्रु शैतान की
ताकतों को आज मैं नष्ट करने जा रहा हूँ। आज गुप्त शत्रु से प्रभु यीशु मसीह बचाएगा 101%। और मेरे प्रिय गुप्त शत्रु आपको टच नहीं कर पाएगा, गुप्त शत्रु आपके ऊपर में वार नहीं कर पाएगा मेरे प्रियजनों, लेकिन परमेश्वर आपको जो है बचाएगा। वे जो है अपने ही वचनों के कारण ठोकर खा जाएंगे, जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने मेरे प्रियो वो जो है अपने अपने बातों के द्वारा वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई ठोकर ना खाओ, परमेश्वर जो है आपको बचाने के लिए आया है। दोष मत लगाओ क्योंकि आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। ठट्ठा मत उड़ाओ, मजाक मत करो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के काम को। आपको भी परमेश्वर जो है ऊंचा उठाने वाला है, शत्रु शैतान से प्रभु बाहर निकालने वाला है आपको। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रेमी परमेश्वर, आपने सारे लोगों की विनती प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।